नमस्कार यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले हमने दो वीडियोज आज अपलोड किए जिसमें हमने ग्रांट चार्ट और जिसमें हमने ग्रांट चार्ट विद फॉर्मूले दो टॉपिक कवर किए हैं। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com या फिर यूट्यूब चैनल से इसको देख सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियोज देखने के लिए क्या करेंगे, आप YouTube पे जस्ट IPT India को सर्च करेंगे। IPT India सर्च कीजिए, मेरे चैनल आपको आ जाएगा। मैंने अभी तक 3159 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। जी सर, 3951। और ये वीडियोज की क्वांटिटी काफी ज्यादा है एक्सेल ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोज, मतलब मेरे चैनल्स पे ही आपको मोस्टली वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का है कि मैं आज बताने वाला हूं कि शॉर्टकट्स हम कैसे निकालेंगे एक्सेल की। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि सर मुझे शॉर्टकट्स बता दीजिए, शॉर्टकट्स क्या होता है, कैसे होता है। तो शॉर्टकट्स के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेल की शॉर्टकट आपके एक्सेल में ही होता है। कैसे? अगर आपके पास पुराना कोई वर्जन है जैसे 2007-10 है तो आप जस्ट F1 प्रेस कर दीजिए, या फिर किसी वर्जन में आप F1 प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ सर्च में जाके भी सर्च कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जिस समय आप सर्च करें आपके पास इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि 2010 ऑनवर्ड जितने भी हेल्प हैं वो इंटरनेट बेस्ड है, 2007 में इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूं शॉर्टकट, शॉर्टकट की है, शॉर्टकट कीबोर्ड कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इस पे आ जाएगा। और यहां पे देखिए कीबोर्ड सॉफ्टवेयर शॉर्टकट इन द ऑफिस एंड एक्सेल दोनों यहां पर है। अगर एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो यहां पे एमएस ऑफिस से रिलेटेड आ जाएगा कि आउटलुक के शॉर्टकट्स क्या है, शॉर्टकट्स वर्ड के क्या है, एक्सेल के क्या है, तो आपके पूरे एमएस ऑफिस का शॉर्टकट यहां निकल जाएगा। तो मैं एक्सेल की देखना चाहता हूं तो मैं एक्सेल पर जाना चाहूंगा और एक्सेल के शॉर्टकट्स की लिस्ट जो है आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में है, या फिर आप इसी में भी देख सकते हैं, आप इसी के नीचे आपको सारा दिख जाएगा, पूरे शॉर्टकट लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा कि कौन सा शॉर्टकट लिस्ट क्या करता है और क्या किसके साथ क्या यूज होता है। अब इसको कॉपी करके या इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए और अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। तो पूरे एमएस ऑफिस की शॉर्टकट की निकालने का तरीका सिंपल है, F1 प्रेस करें और शॉर्टकट निकाल लें। इसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8802579388 और साथ में हमारे पास मेरे स्क्रीन पे मेरा स्काइप आईडी भी दिया हुआ है, तो मुझे स्काइप भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, या फिर आप मेरे पेन ड्राइव को परचेज करना चाहते हैं फिर वेबसाइट पे जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की मदद के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग मेरा नंबर अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि मेरी वीडियोज आपको मिल जाए। थैंक यू।